नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन वंदन। दक्षिण और उसमें भी विशेष रूप से तमिलनाडु, यहां राजनीति में फिल्मी चेहरों का बोलबाला रहा, जिनका रुपहले पर्दे पर करिश्मा रहा उन्हीं का करिश्मा राजनीति में भी रहा। चाहे एमजी रामचंद्रन हो, चाहे जयललिता हो, और वो मौजूदा मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के स्टालिन, उनके पिता करुणानिधि, करुणानिधि भी फिल्म व्यवसाय से जुड़े थे, वो राइटर थे और उनकी लिखी तमाम फिल्में वहां तमिल में सुपर डुपर हिट हुई, इस नाते उनको लोग चाहते थे। अब उसी तमिलनाडु में एक बदलाव आता दिख रहा है, एक गैर फिल्मी चेहरा वहां इस राजनीति में स्टारडम पैदा कर रहा है। स्टारडम शुरुआती अवस्था है, लेकिन वैसा करिश्मा दिख रहा है। और तमिलनाडु की उस नई करिश्माई पॉलिटिकल पर्सनालिटी का नाम है के अन्नामलाई। शायद आपने सुना भी हो उत्तर भारत में इस नाम को। के अन्नामलाई तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष है। 39 साल उम्र है इनकी और तमिलनाडु में इनकी आक्रामक राजनीतिक शैली चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री मोदी इनकी सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुके हैं कई दफा। अभी हाल में अपने एक इंटरव्यू में भी उन्होंने अन्नामलाई को दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का चेहरा बताया था। और साउथ में लोग कह रहे हैं कि अन्नामलाई साउथ का मोदी है, साउथ का मोदी, बड़ी बात। ये कौन है अन्नामलाई, जानने की उत्सुकता है देश की। के अन्नामलाई कुप्पस्वामी अन्नामलाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद आईआईएम का इम्तिहान दिया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आईआईएम में आ गए मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए। अन्नामलाई यहां से टॉप करके निकले और उसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और वहां उनका सिलेक्शन हो गया भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस बन गए अन्नामलाई और उसके बाद से उनका एक सार्वजनिक जीवन का अध्याय शुरू हुआ। ये तो हजारों आईएएस हैं और हजारों भविष्य में बनेंगे, लेकिन अन्नामलाई क्यों विशेष है चर्चा में, इसलिए कि उडुपी में जब तैनात थे तब भी, चिकमंगलूर में जब तैनात थे तब भी अन्नामलाई पुलिस अधिकारी के नाते, जब भी इनका तबादला किया गया तो हजारों की संख्या में सामान्य लोग सड़कों पर उतरे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उडुपी में तो पुलिस मुख्यालय घेर लिया था लोगों ने, इसलिए कि अन्नामलाई का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा। कई भाषाओं के जानकार है, जिसमें एक भाषा हिंदी भी है, पढ़ने के शौकीन है और पढ़ाई के इतने शौकीन हैं और जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी के नाते जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें बहुत संवेदनशील मसले भी आते हैं कई बार, तो इसलिए अन्नामलाई ने कुरान की भी पढ़ाई कर डाली, अध्ययन कर डाला। और एक बार इनकी पोस्टिंग के दौरान एक दंगा हो गया था, तो उस दंगे में इनकी भूमिका की बड़ी सराहना हुई थी। ये पैदल गली गली घूमे कई दिनों तक और इन्होंने बाद में अंततः शांति स्थापित करने में सफलता पाई।
तो वो अन्नामलाई अचानक से एक दिन उनके मन में आया कि ये आईपीएस की नौकरी, ये पुलिस की नौकरी से पूरा न्याय नहीं हो सकता इस प्रदेश के, देश के सामान्य लोगों के लिए। इसके लिए और ज्यादा निर्णायक भूमिका चाहिए, और वो निर्णायक भूमिका मिलती है राजनीति। और इस ये नौजवान इस्तीफा देकर राजनीति में कूद पड़ा। सोचिए, रिटायरमेंट के आसपास साल छह महीना पहले इस्तीफा दे दीजिए, बात समझ में आती है। आईपीएस की नौकरी के शुरुआती साल में कोई छोड़ दे नौकरी और एक अनिश्चय भरे राजनीतिक जीवन में आ जाए। तमिलनाडु में भाजपा, सुनने में समझ नहीं आता कि तमिलनाडु में भाजपा कभी बहुत प्रभावशाली कैसे हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब देश भर में मोदी की प्रचंड लहर थी, तो वहां तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल जमा 3.5% से कुछ ज्यादा वोट मिला था कुल प्रदेश पर। तो जिस प्रदेश के रहने वाले हैं अन्नामलाई, उस प्रदेश में वो जिस पार्टी से जुड़ने जा रहे, उसके लिए कोई बहुत संभावनाएं हो, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को चुना अपनी भविष्य की राजनीति, और उसके बाद जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो भाजपा के अंदर और भाजपा के बाहर अन्य दलों के नेताओं को उन्होंने सबको चमत्कृत कर दिया। सब उनकी राजनीतिक क्षमता और राजनीतिक कौशल का लोहा मानने लगे। स्टालिन और स्टालिन के बेटे मंत्री हैं दयानिधि, उन्होंने सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में जो भी अनर्गल बयान दिए, अन्नामलाई ने उनको मुद्दा बनाया और पूरे तमिलनाडु में एक तूफान पैदा कर दिया। गली गली, कस्बा कस्बा, शहर शहर, भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं सकती थी कि तमिलनाडु में उसके वो किसी पॉलिटिकल कैंपेन को हिट करा सकती है। नहीं, 3.5% वोट वाली पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन अन्नामलाई ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस नौजवान के कंधे पर पूरे राज्य की भाजपा का पार्टी का जिम्मा रख दिया। अन्नामलाई का पहला इम्तहान अब होने जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी का भी फोकस तमिलनाडु पर है, और भाजपा मानकर चल रही है कि इस बार तमिलनाडु में, तमिलनाडु और बंगाल, ये दो राज्य ऐसे हैं जो भाजपा के लिए बहुत उर्वर कभी नहीं रहे। उसमें बंगाल तो तब भी, पिछली बार भी ठीक ठाक आ गई थी सीटें, लेकिन तमिलनाडु कभी भी भाजपा के लिए कोई शुभ संदेश लेकर नहीं आया। लेकिन इस बार भाजपा मान रही है कि बंगाल से भी उसके लिए खुशखबरी आएगी और तमिलनाडु तो चौंकाएगा। और जब भाजपा के अंदर ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु चौंकाएगा, तो उस चौंकाने के पीछे अन्नामलाई का चेहरा झांकता दिखता है। आप सोचिए, राष्ट्रीय फलक पर अभी तक तमिलनाडु से भाजपा के किसी बड़े नेता का नाम ही नहीं आया। उत्तर भारत के लोगों को याद ही नहीं होगा कि तमिलनाडु में भाजपा का कोई नेता भी है। नेता रहे होंगे, स्वाभाविक है, अटल जी के दौर में भी रहे होंगे, लेकिन अब अन्नामलाई का नाम तमिलनाडु से भाजपा के नेता के तौर पर, प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर बड़े फलक पर आ रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये भविष्य का चेहरा है दक्षिण में भारत का, भाजपा का, और ये चेहरा है तमिलनाडु में हिंदुत्व का, और चेहरा है तमिलनाडु में संघ परिवार की सांस्कृतिक ताकत का। अब परिणाम कैसा आता है लोकसभा का, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपना वोट शेयर बढ़ा लेगी तो भी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी।
क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो शेष राज्यों में भाजपा के लिए बहुत अच्छी स्थिति कभी नहीं रही। गठबंधनों के सहारे ही उसको मुख्य रूप से इन दक्षिण के राज्यों में चलना पड़ा है। लेकिन अब परिवर्तन दिख रहा है अन्नामलाई से। और मजे की बात ये देखिए कि जो पेशे से इंजीनियर हो रहा हो, जिसने IIM में टॉप किया हो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया हो, इतना अद्भुत प्रतिभाशाली करियर रखने वाला नौजवान अचानक से राजनीति को चुन लेगा, ये बात सामान्यतः हजम नहीं होती। क्योंकि एक सामान्य धारणा है कि भाई राजनीति में तो वही सब लोग जाते हैं वैसे ही ऐसे ही, एक धारणा है भारत में। उस धारणा को अन्नामलाई ने तोड़ा है। आप तमिलनाडु में एक बात और भी है, वहां अन्नामलाई के पक्ष में एक बात यह भी जाती है कि आप उन पर सत्ता का पावर का आरोप नहीं लगा सकते कि उसके लिए वो राजनीति में आया, क्योंकि भाजपा की सीढ़ी के जरिए तमिलनाडु में सत्ता में आना बहुत दूर की कौड़ी है। और एक IPS रहते हुए सत्ता पावर रुतबा सब पहले से ही था अन्नामलाई के पास, फिर उसको छोड़कर क्यों आता, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। भारत बहरहाल नरेंद्र मोदी ने अपने इस चहेते नौजवान पर तमिलनाडु का जिम्मा छोड़ रखा है और मोदी को भरोसा है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में कमल खिलाएगा। खिलेगा नहीं खिलेगा, कितना खिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा, 4 जून को पता लगेगा। लेकिन कम से कम भाजपा के लिए ही जरूर सुखद है कि तमिलनाडु में भी उसके पास एक ऐसा चेहरा हुआ मुद्दतों बाद, मेरे ख्याल से पहली बार, जो राष्ट्रीय फलक पर जिसकी चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय फलक पर जो विमर्श में है, ये बड़ी बात है, ये एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक भाजपा तमिलनाडु में किसी भी ऐसे चेहरे को अपने साथ नहीं जोड़ पाई थी। अलायंस में तो रही, लेकिन भाजपा खुद अपने भीतर किसी को ऐसे चेहरे को क्रिएट नहीं कर पाई जिस पर वो ये कह सके कि हाँ ये हमारा प्रतिनिधि चेहरा है, जिसकी देश भर में चर्चा है, जिसकी देश भर में एक स्वीकारता है, एक पहचान है। इस बार तमिलनाडु में भाजपा ने वो अवरोध हटाया है, वो बैरियर हटाया है, इसलिए भाजपा की वो सारी उम्मीदें अन्नामलाई पर टिकी हुई हैं। इसीलिए पार्टी के भीतर उसको कहा जा रहा है साउथ का मोदी। धन्यवाद।